एक लास्ट राउंड है शान भाई इट्स रिएक्टिंग टू सम आइकॉनिक फोटोज एंड वीडियोस आपके ओपिनियंस चाहिए किसी के साथ अगर आप पेश आ रहे हो तो ये सब लौड़ा बोलना बंद करो यार ये क्या है <laughs> कौन से लोग हैं और ये मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये सब मत करो यो बॉस मेरे दोस्त मेरे बच्चों के दोस्त हैं <laughs> नया दोस्त बनता है तो बोलते हैं जब पता चलता है कि मेरे बेटे हैं उनको इसका एक मीम भेजते हैं लोग ये वही है ना <laughs> <laughs> तो मेरी आइडेंटिटी बन गई <laughs> नहीं yeah. I mean, क्या कर रहे हैं यार मैं कुछ कह रहा हूँ जवाब नहीं।, 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 <laughs> नहीं क्या मजा मिलता है इसमें अगर उनको मजा मिलता होगा पता नहीं

I'll fling this mic on you. It'll hurt you more. How dare you? Learn to respect a performer. If you don't like it, go away. Never throw things on stage like that. I'm here in very heavy fever. I'm under antibiotics, and I'm here performing all night for you. And if this is the kind of response, is the kind of people here, I'm not interested. चल लास्ट सॉन्ग करके निकलते हैं। बैंडरबॉय ना क्या करूँ? दोस्तों, बहुत दूर से आया हूँ, हाँ, दुनिया भर घूमा हूँ। सारे भाषाओं में गाने गाया हूं लेकिन अगर आपको सिर्फ गाने ही सुनने हैं कोई और गाना कुछ गाऊं तो इस तरह का बिहेवियर है तो चलो सिर्फ यही गाना करते हैं हो जाए, लेकिन प्रांतवादी कभी मत होना रिमेंबर दी आर वन कंट्री इंडिया इज वन एक्चुअली वर्ल्ड बोलना चाह रहा था इशारा तो वैसा ही था और आप गुस्से में भी बहुत स्वीट लगते हो भाषण देने लग गया उस उसमें नहीं वो एक एक अंडर अंडर करंट चल रहा था आई थिंक uh, और uh, वो ये हुआ था मैं कुछ वो uh, मुसमु के अंदर ना वो जो बंगाली गाने का एक दो लाइन गाया था तो वहाँ वो नेपाल भी प्रॉब्लम है बंगाल भी प्रॉब्लम है कुछ लोगों को तो वो पोलिटिकल बना रहे थे उस पूरी चीज को तो तो ये प्रांतवादी जातिवादी ये कॉम कॉम को लेकर लोगों की सोच तो वी शुड नॉट डू दैट इंसानियत से बढ़कर और क्या है बट ऐसे कुछ इंसल्टिंग मोमेंट्स होते हैं स्टेज पर कभी लाइक like does... हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं मेरे साथ डिस्ट्रैक्ट uh, या फिर अटेंशन चाहते हैं वो उनका कुछ मुद्दा है उस मुद्दे तक आपको ले आना चाहते हैं और uh, ये जो हुआ था इट वॉज़ नॉट एज़ पर्सनल टू मी कि वो फेंका था मैं तो उसको बना के हाँ क्योंकि हाँ ऑफकोर्स आई वॉज़ नॉट वेल ऑन दैट डे तो कहीं ना कहीं एक यू नो मनी और आप थक जाते हो परफॉर्म करते करते ना एक फ़िज़िकली मेंटली थक जाते हो आपको गाना गाना है और सब लाइव हो रहा है ऐसा थोड़ी है कि बस आप वहाँ जाके बस वाइब कर रहे हो किसी गाने पे तो थकान के हालत में ना रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉग हो जाता है और वो तब से देख रहा था वो बंदा यू you नो know, बार बार ऐसे कुछ पॉलिटिकल कुछ रैली कर रहा है ऐसा लग रहा था बट बट डेफिनेटली मुझे मैं जैसे मैं आपको बताऊं uh, हम लोग जब uh, मैं जब छुटा था तो हम लोग सब टेनेंट थे मतलब जो घर भाड़े का जो घर था ना वो किसी और का था और वो हम लोग को हम बढ़ोतरी के बढ़ोतरी थे तो जब मेन जब लैंड आती थी ना वो टाउन में रहती थी, थी गुलाबा में तो तब हम सब क्रिश्चन हो जाते थे क्योंकि वो कैथलिक था मिस्टर परेरा मेरा नाम भी अल्फ्रेड था बचपन में <laughs> तो तो अजीब माहौल था जो भी हो तो ये सब दिस इज ऑल ह्यूमर एंड फन एंड रोमांस दिस इज नॉट के यार मैं कुछ दुखड़ा नहीं रो रहा हूँ अपना आई हेर द बेस्ट अपब्रिंगिंग परफेक्ट अपब्रिंगिंग तो हमारे घर में जैसे मदर मैरी वैसे ही यू नो काबा का फोटो था और वैसे ही गणपति जी का फोटो था और यू नो तो आई बिन ब्रॉड ऑफ दैट वे और तो जब लोग कौमी बातें करते हैं और जर्नलाइज़ करते हैं कि ये तो ऐसे ही है अरे वो तो वैसे ही है तो मुझे बहुत चिड़ाती है उस बात से और फिर आप कहते हो कि ये अब इंडिया में भी आप ये करेंगे कोई बंगाली बोलेगा कि वो यू नो गुजराती ऐसा है और पंजाबी कहेगा कि मारवाड़ी वैसा है ये क्या हो रहा है यार है न you know? So, exactly, exactly. I mean, have, मैंने बंगाली गाना गाया, तो, आप, आ, आसाम के हो, तो आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि मैं बंगाली प्रमोट करता हूँ सारे बंगाली रहते hmm. wow. हैं हाँ सामने से बार बार कुछ और ग्रुप थी जो कह रहे थे कि और मैंने काफी आसमी गाने गाए थे ऑलरेडी तो मुझे लगा कि ये क्यों कर रहा है प्रॉब्लम hmm. नहीं होना चाहिए यू शुड वेलकम एवरीवन

डिलेड तो एक्चुअली लग रहा है कि ये गाना बना था और एंड में सुनीता है सो अफकोर्स इट वॉज नान्स बर्थडे बट ऑल्सो विशिंग सुनीता विलियम्स हैप्पी बर्थ डे एंड एंड दैट यू नो शी इज लिटली हैंंगिंग इन दो शीज गोनो सेलिब्रेट बर्थ डे इन स्पेस बट वी विश आर ओनली द बेस्ट दैट शी कम्स लैंड इज ग्रेट

अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हज़ार क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ